अरविंद यूट्यूबर में फिर से एक बार आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों सभी लोग कैसे हो? और अभी हम हैं भाई पीड़ में, और जो कि ये देवा शरीफ में पड़ता है गांव पीड़ जो है। और इधर यहां पर क्या होता है भाई, आलू की खेती और लहसुन की खेती और बंदे गोभी की खेती, मिर्ची की खेती देख सकते हैं भाई। ये गोभी लगी हुई हैं और चलते हैं भी खेत के अंदर तो दिखाते हैं। तो मेरा वीडियो एंड तक देखना, और इससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को। और ये जो आप देख रहे हैं ये भाई रितेश हैं, इनका नाम रितेश है, और ये भांजे हैं हमारे। और यहाँ पर क्या क्या बोया जाता है तो सब कुछ बताएंगे आप लोगों को, तो थोड़ा गौर से सुनिएगा। तो बताओ रितेश, थोड़ा बैठ जाते हैं, बैठ के बात करते हैं, आप सही रहेगा। और बताओ यहाँ पर लहसुन बोया जाता है और क्या क्या बोया जाता है, सब कुछ जो जो बोया जाता है तो बताओ। लहसुन और आलू। हाँ, और क्या बोया जाता है? धान। हाँ जल्दी जल्दी बताओ, धान बोए जाते हैं। और तुम्हारे खेत में गोभी। अच्छा, गोभी बोई लगी हुई है। हाँ, और थोड़ा शर्मा रहे हैं भाई, देख सकते हैं इतना खूबसूरत इधर देख सकते हैं। और आलू भाई बोए हुए हैं, ये नाली बनी हुई हैं और दिख रहे हैं। तो भाई ये क्या है, लहसुन है, देख सकते हैं छोटा छोटा लगा हुआ है। इसे देख रहे हैं तो देख सकते हैं आलू की बुवाई हो रही है। लहसुन की खेती ज़्यादा होती है, और लहसुन के साथ साथ इसमें मिर्चा भी लगाए जाएंगे, इसीलिए भाई डबल क्या है देख सकते हैं, छोटी छोटी है पीछे देख सकते हैं क्यारी की गई हैं। और इसी यही जो क्यारी है तो इसी में मिर्चा लगाए जाएंगे, और इधर मिर्चा की खेती भी ज़्यादा होती है। पर क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा लहसुन जो था तो काफ़ी महंगा था, और जिन लोगों के पास लहसुन था भाई तो किसान लोग काफ़ी मजे किए। और लहसुन तो वैसे 200-250 रुपये किलो आज भी मार्केट में बिकता है। आलू के खेत में तो ये देख सकते हैं इधर पीछे का व्यू, और पीछे वहाँ तक जितना आप देखेंगे इतना पूरा ये सब पड़ा हुआ है। ये सब यहाँ पर धान की खेती भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और इधर भी पीछे देखेंगे वहाँ तक जितना कुछ पड़ा हुआ है तो सब लोग आलू और लहसुन की तैयारी कर रहे हैं। और इससे पहले एक हमने वीडियो बनाया है लहसुन की कैसे बुआई होती है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, जाकर के देख सकते हैं। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं, और देख सकते हैं कितना भी थोड़ा थोड़ा ये क्या है कोहरा पड़ रहा है। वैसे गांव में कोहरा ऐसे पड़ता रहता है, और यहाँ पर क्या होता है क्योंकि लहसुन और आलू की खेती ज़्यादा होती है, कुछ लोगों के धान भी हैं तो तैयार हो रहे हैं यानी पीटे जा रहे हैं। और उधर पीछे देख सकते हैं इतना जो कुछ आप सब कुछ देखेंगे तो धान की पिटाई हो रही है, और वहाँ पर कुछ लोग पीट रहे हैं देख सकते हैं पीछे, यानी खेत में कुआं। और क्या है भाई, कुआं है पास में, और इसमें काफ़ी पास में पानी है, और ऐसे तो कुआं बहुत कम होते हैं देखने को मिलते हैं, तो सब कहीं नल लग गए हैं गांव में, तो ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो आप ये जो देख रहे हैं तो भाई ये पीड़ का है, और ये वन क्लास में है भाई, यहीं पीड़ में पढ़ते हैं। अगर आवारा पशु यहाँ पर भी हैं, और वैसे साइड में सब लोग तार लगाए हुए हैं, कटीले तार लगे हुए हैं। सो गाइस देख सकते हैं कितना संकरा रास्ता है, मेड़ है, चलने पर बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि आवारा पशु रहे थे, दोनों तरफ तार कसे हुए हैं, वो भी तार भाई कैसे हैं, कटीले तार हैं। रास्ता है, इसी रास्ते से निकल करके जाना होगा। जो लोग गाँव के हैं तो उनको तो पता ही होगा गाँव में कितनी मेहनत पड़ती है, वो कैसे किसान किस तरह खेती करते हैं, और तब जाकर भाई सबको तैयार कर पाते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो भाई एक प्यारी सी लाइक दे देना है आप लोगों को। मैंने कहने के बाद भी अब आए हैं सामने मोबाइल के सामने, और इनको भाई बहुत शर्म लगती है, और देख सकते हैं ये हैं। और इनके साथ में हमने एक वीडियो भाई बनाया है मेंथा वाला, वही तार कैसे कसाई की जाती है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं। अभी हम गांव आ गए हैं, यहीं से भी गए थे, और बाइक वहां वो खड़ी हुई है तो अभी चलते हैं।